हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक वैद्य जी जो हमारे यहाँ बहुत पुराने वैद्य जी हैं, तो उनके पास मैं गया हूँ। उनसे कुछ जड़ी बूटियों की जानकारी लेने के लिए मैं गया हूँ। तो आपको मैं कुछ जड़ी बूटियाँ दिखाऊंगा भी, और उनसे मतलब पूरी जानकारी लूँगा कि किस जड़ी बूटी से क्या फ़ायदे होते हैं, वो कब से ये काम कर रहे हैं और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कहीं पे भी बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपको दी जाएंगी। वीडियो को जरा सी भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ वैद्य जी के पास। तो अब हम इनसे कुछ जानकारियाँ लेंगे और इनके बारे में भी कुछ जानेंगे कि क्या इनको प्रॉब्लम्स हुई थी फर्स्ट में, कब से इन्होंने स्टार्ट कर रखा है ये सब। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं आपको इनसे। ये हमारे यहाँ के बहुत ही मशहूर वैद्य जी हैं, जिनकी मतलब बहुत दूर दूर तक इनको लोग जानते हैं। तो पहले इनका नाम जानते हैं, आप अपना नाम बताइए। श्री लीला जोशी, वैद्य श्री लीला जोशी, जनपद चंपावत पोस्ट ऑफिस चंपावत का निवासी हूँ। और इस प्रकार से जो वैशाला काम करता हूँ, काफ़ी समय से काम करते आया हूँ। और जिन जिन जड़ी बूटियों की जैसे ये सामने रखी गई हैं, और इनसे कौन कौन सी प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और किन किन रोगों का इन जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। और बाकी आगे जो कुछ पौधे लगाए हैं उसके बारे में, अभी पौधों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और इस समय जो आपके सामने ये कुछ डब्बे में कलेक्शन किया हुआ मटेरियल, रॉ मटेरियल है, ये आपके आप लोगों को इसकी जानकारी देना चाहूँगा। हाँ बोलो। तो आप ये बताइए कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 40 साल से मैं काम करते आया हूँ जड़ी बूटी का ही। हाँ। और अपने बलबूते में कोई गवर्नमेंट सहायता नहीं हमको मिली है अभी तक, अपने बलबूते में ही हम पूरा ये काम कर रहे हैं। और लोगों का भला करते हैं, लोगों का परोपकार का काम करना है, लोगों को दवाइयाँ देके लोगों का इलाज करना है, कई रोगों का इलाज करते हैं। और जो स्वस्थ हो के जाते हैं, जैसे कि पीलिया है, जैसे कि शुगर है, और जैसे कि अल्सर है, जैसे कि आपका ज्वर बुखार है, जैसे कि पथरी है, जैसे कि लिकोरिया है, गुप्त रोग। और तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इनकी जवानी सुना कि यहाँ पर अभी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लगाई गई हैं, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सामने में। तो इनके बारे में तो जानकारी लूँगा। इसके अलावा जो इन्होंने जड़ी बूटी के पौधे लगाए हैं उनके बारे में भी मैं जानकारी लूँगा। आप ये बताइए कि आपकी अभी उम्र क्या है? उम्र 74 साल। तो दोस्तों, अभी इनकी उम्र है 74 साल, और ये 40 साल पहले से ये काम करते आ रहे हैं यहाँ, जैसा कि इन्होंने ही अभी आपको बताया, सबको बताया। तो अब इनसे हम थोड़े इन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इनके बारे में जानकारी देंगे आप, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं जड़ी बूटियों के बारे में ही हमको बताएंगे, तो पहले हम इस जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहेंगे, इसका नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये चूर्ण बनाया गया है, 130 जड़ी बूटियों से चूर्ण बना हुआ है। और ये आपको जैसे कि शुगर के लिए है, ज्वर बुखार के लिए है, अन्य रोगों के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई रोग जैसे पीलिया है, तो ये सब ऐसे ही प्रकार के अलग अलग डब्बे बनाए गए हैं। तो इन पर जो है अलग अलग रॉ मटेरियल है, देखने में आपको एक सा लग रहा होगा, लेकिन चूर्ण समान होता है। उसके अलावा ये चीज़ें सब अलग अलग हैं, ये दवाइयाँ सब अलग 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 विकसित की गई।
तो जैसा कि दोस्तों इन्होंने बताया कि इसमें 130 जड़ी बूटियां इसमें मिलाई गई हैं, 130 जड़ी बूटियां मिलाकर इसका चूर्ण बनाया गया है। तो ये किस चीज में काम करती है, मतलब कौन सा रोग? जैसे आपका ये पथरी का इलाज हो जाता है, पथरी जला लेते हैं, और शुगर का इलाज हो जाता है, और अल्सर का इलाज हो जाता है। तो हरड़ के बारे में कुछ? हरड़ के बिना हरड़ की कोई दवाई नहीं बनाई जाती है। हरड़ हर दवा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाजमा के लिए तथा अन्य रोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत फायदे की चीज़ है, इसको आप ऐसे ब्लैंक भी खा सकते हैं या चूर्ण बना के भी खा सकते हैं। ये पेट के रोगों को दूर करता है, और कई इसी पथरी के उसमें भी इसका इलाज किया जाता है, जैसे कि पाषाण वेद है, जैसे कि हरड़ है, जैसे कि चिरायता है, जैसे कि ममीरा है, मंजिष्ठा है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बिना हरड़ के कोई भी दवाई नहीं बनती है, तो दोस्तों अगर इतनी सारी जड़ी बूटियाँ रखी है, अगर सब जड़ी बूटियों के बारे में अगर आपको बताया जाएगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम इन जड़ी बूटियों के बारे में अगले पार्ट में हम जानेंगे। तो इसमें से एक ये यहाँ पे इसमें तेल रखा गया है, तो इस तेल के बारे में भी कुछ आप हमको बता दीजिए। देवदार ऑयल है, देवदार और तुलसी और चिरमुड़े का ऑयल है, इससे जो है कोई सी भी एलर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा, इससे मतलब एलर्जी सब खत्म हो जाती है? हाँ, कोई सी एलर्जी भी। अच्छा, देवदार और क्या कहा आपने? देवदार है, तुलसी है, किरमोड़ा बरबेदी किरमोड़ा। अच्छा, इसका मतलब तेल बनाया जाता है? तेल बनाया जाता है, वो तेल जो है उसका यूज आप कहीं पर भी, जहाँ पर आपको दाद है, चम्बल है, खाज है, खुजली है, या आपको एक्जिमा है, उन रोगों का इसे उपचार किया जाता है इस तेल से। अच्छा, तो एक जड़ी बूटी के हम जड़ी बूटी के बारे में और जानना चाहेंगे, तो इसके बारे में ही आप हमको बता दीजिए ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। पाषाण वेद है, पाषाण वेद जैसे पथरी गलाई जाती है, इसमें जंगली गेठी भी है, पाषाण वेद है। अच्छा, ये सब इस प्रकार से है, देखो। हाँ, ये इसके बिस्किट बनाए जाते हैं। अच्छा, इस प्रकार इसका यूज इसका जो है यूज किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। अच्छा, हर चीज़ का सिरप भी बनाया जाता है, कुछ चीज़ों का हम सिरप भी बना लेते हैं। अच्छा, इन्हीं जड़ी बूटियों से सिरप भी बनाया जाता है, इन्हीं जड़ी बूटियों से पाउडर भी बनाया जाता है, ये रोग का इलाज करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, तो अब हम थोड़ा कुछ जो पौधे आपने लगा रखे हैं जड़ी बूटी के, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, तो आप उनके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है। और हमारे व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इन जड़ी बूटी के बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। अभी थोड़ा जो इन्होंने जड़ी बूटी के पौधे लगाए हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि वो कहाँ पे हैं, किस टाइप से उनको लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। हाँ, तो इसके बारे में बता दीजिए। ये है बनककड़ी। बनककड़ी का मतलब है जो आपकी कभी पेशाब में ब्रेक हो जाता है, पेशाब में स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा। और किडनी में स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को इसकी जड़ से दूर किया जाता है। अच्छा, बनककड़ी। बनककड़ी, बनककड़ी। दूसरा ये लहसुनिया रिची जीवक। अच्छा। इसका जो है 25,000 रुपये किलो है, चौन प्रास बनाया जाता है, और अन्य जड़ी बूटी ये जो सामने लगी हैं, तो ये तेजपात है। हाँ। और ये एलोवेरा सामने लगा हुआ है, ये सालम मिश्री आपके सामने दिखाई जा रही है, और इसके नीचे एक बल्ब होता है, सेल होता है, उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इस प्रकार से ये जड़ी बूटियाँ विकसित की जाती हैं। अच्छा। और ये आपका लेमन ग्रास है। अच्छा। सामने देखो, ये काली तुलसी। काली तुलसी, हाँ जी, ये लेमन ग्रास है, ये जो सामने लगा हुआ है लेमन ग्रास है, इसकी चाय या लेमन टी बनाई जाती है, और उसे आप इसका चूर्ण भी बनाया जाता है, सिरप भी बनाया जाता है इससे। अच्छा। और ये रही आपकी बीको वज्रदंती, ये पौधा जो है चमकता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये बीको वज्रदंती है, इससे चूर्ण बनाया जाता है, और कई रोगों के उपचार के लिए तैयार किया जाता है इससे सिर्फ। ये है सामने लगा हुआ गिलोय, गिलोय की बेल चढ़ी हुई है ऊपर, ये शानदार चीज़ें हैं जो कि जिसके बिना आज मतलब जो इसका बड़ा अभाव है इस टाइम, ये पतन होते जा रही हैं दिन प्रतिदिन, ये जड़ी बूटियां सामने लगाई गई हैं। और ये एक दूसरा ये ब्राह्मी है, इसके जो है याददाश्त की कम हो जाना, भूल जाना किसी चीज़ को, उसकी याददाश्त को दिलाने के लिए इसका पाउडर बनाया जाता है, और सिरप भी बनाया जाता है। अच्छा। ये ओरिजिनल ब्राह्मी है। अच्छा। हाँ, अब आगे चलो। हाँ,
तो इसके बारे में बताइए कि सरगंधा है, याददाश्त का भोजन, नींद का नहाना और इस जड़ी बूटी के जड़ का उपयोग किया जाता है और इससे जो है याददाश्त लौट आती है और जो है जो सिर का दर्द होता है, काफ़ी परेशान रहता है आदमी, आधे सिर में जो दर्द है इसके जड़ का उपयोग किया जाता है, बहुत शानदार चीज़ है। इसका नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा और यह है नीलकंठ। अच्छा, नीलकंठ। इसका नीलकंठ शुगर के लिए इसकी दवाई बनाई जाती है और कोई सी मतलब पेट के कीटना पेट के कीड़ों को भी मारता है, ये कीटनाशक भी माना जाता है। ये शानदार जड़ी बूटी नीलकंठ इस प्रकार से जो खुरदुरा पत्ता होता है, अच्छा। एलर्जी को दूर करता है और शुगर को भी दूर करता है। अच्छा, इसकी जड़ें खाई जाती हैं? ना ना, इसके पत्ते का एसेंस निकाला जाता है, या पाउडर बनाइए या एसेंस बनाइए। अच्छा, तो यह है अश्वगंधा। अश्वगंधा इसका जो है चूर्ण बनाया जाता है, पंचांग यूज में लिया जाता है, इसका जड़ फूल पत्ता सभी मन जो है काम में लिया जाता है। यह है सर्पगंधा। सर्पगंधा जो ऐसी बेल चलाइए, जंगली गेठी जो उसका जो है फल का यूज किया जाता है, ये ऐसे जो फल लगते हैं ये फलों का यूज होता है, शुगर के लिए भी है, पेट के रोगों को दूर करने के लिए इसका चूर्ण बनाया जाता है। अच्छा, और एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको मतलब आप 40 साल से काम करते आ रहे हैं तो आपको मतलब बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, करना पड़ता है, तो उनके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए कि कौन कौन सी। तो ये तो कोई टॉपर ऐसा काम है कि जड़ी बूटी का काम करना बड़ा टफ होता है, बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी मतलब आप बारिश है तो आपको मरीज आ जाता है, लाखों मरीजों का इन जड़ी बूटियों से इलाज किया गया है। हाँ। वो भी निःशुल्क किया गया है। हाँ। अपनी चॉइस से कोई हमें दे जाता है तो हम उसे ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वरना हम इसका कोई वो नहीं करते हैं। हाँ। बाकी बड़ा टफ काम है, बड़ा कठिनाई का काम है, दवाई हुई उसको बनाने में बड़ा कठिनाई आती है, सफाई से उसको बनाना पड़ेगा, वो इस प्रकार से पब्लिक का भला करना तो बड़ा टफ पड़ता है, बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, बीच बीच में बहुत समस्याएं आती हैं। तो इस प्रकार से लाखों मरीजों का इलाज इन्हीं जड़ी बूटी से किया गया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये निशुल्क किसी का भी इलाज निशुल्क करते हैं यहाँ, और लाखों मरीजों का ये इलाज कर चुके हैं, तो ये बात एकदम सच है। कहीं ना कहीं मैंने भी ये बातें सुन रखी हैं और मैंने देखी भी हैं कि यहाँ बहुत से लोग आते हैं अपना पीलिया का इलाज कराने या फिर बहुत से रोगों का इलाज कराने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। ये बात एकदम इन्होंने सही बताई है, बिल्कुल ये निःशुल्क इलाज करते हैं सबका। अगर कोई भी इलाज कराना चाहे तो यहाँ आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी रोग अगर उनको पथरी पीलिया काली खांसी ये सब है तो इनसे आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र अभी वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है तो मैं अभी उसको दिखा दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा, आप इनसे इनके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं, इनसे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आप एक बात बताइए, अब मतलब आप भविष्य में इसकी शिक्षा किसको दे रहे हैं, मतलब अपने बाद? हमने अपने पोती को सिखाया है, वो जो कि 11वीं क्लास में पढ़ रही है छात्रा। अच्छा। उसको इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है। अच्छा। और उसके सामने उसका नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है। हाँ। और उसे शिक्षा हमने अपनी पूरी दी है। अच्छा। और जो कि काम करना शुरू करती है उसे पूरी जानकारी है जड़ी बूटियों के संबंध में। अच्छा। और 11वीं क्लास में पढ़ती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अपनी पोती को ये शिक्षा दे रहे हैं जड़ी बूटी के बारे में, भविष्य में इनकी पोती ही ये जड़ी बूटियों का काम करेगी। तो आजकल जहाँ तक है कि बहुत से कम वैद्य जी हमको मिलते हैं हॉस्पिटल्स खुलने के बाद, ऐसे नेचुरल जड़ी बूटियाँ हमको बहुत कम जगह मिलती हैं और हम मेडिसिन बाजार मार्केट से लेते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं, लेकिन ये होम्योपैथिक दवाइयाँ ये वैद्य जी यहाँ पे बना रहे हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इनकी पोती को इन्होंने इनके बारे में पूरी जानकारियाँ दी हुई हैं, तो भविष्य में इनकी पोती ही ये सब काम करने वाली है। तो धन्यवाद, आपने हमको समय दिया है, इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। तो फिर हम आते रहेंगे यहाँ, ठीक है।